नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये प्लास्टिक बाल्टी है, तो आज हम इसका डिज़ाइन करने वाले हैं। तो डिज़ाइन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल ओपन करते हैं और फाइल का नाम डाल लेते हैं हम प्लास्टिक। ओके, और हम स्केच लेते हैं। स्केच हमने ले लिया। ओके, और सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन की लेंथ रहेगी हमारी 300। और दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ रहेगी हमारी 125। और फिर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, वो थोड़ी एंगुलर में रहेगी। और इस लाइन हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं इनके दोनों के एंड पॉइंट क्लोज। फिर एक छोटी लाइन और ड्रॉ करते हैं, इसकी लेंथ रहेगी 18 mm। फिर उस लाइन को नीचे ले आते हैं, उसकी लेंथ रहेगी 20 mm। और हम यहाँ रेडियस ले लेते हैं। रेडियस ये हमारा रहेगा 15 का, और यहाँ कम का देते हैं क्योंकि ये एरिया कम है हमारा। तो हम 5 का ले लेते हैं, ऐसा इस तरफ भी, और हम उसको फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद में एक कमांड लेते हैं, रोल। रोल कमांड में हमारा सिंगल कर्व है, क्लिक क्लिक, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। और हम उसको स्पेस का वेक्टर हमारा ये रहेगा, पॉइंट हमारा स्केच का मिनट, और इसको सीट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा थोड़ा सा ऊपर का साइड ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको कम करते हैं। स्केच में जाते हैं और स्केच में जाके हम ये डिस्टेंस सेट करते हैं से इस पॉइंट का। ये हमारी रहेगी 156। क्लोज, फिनिश, हमारा इस टाइप का हो गया। और अब हम इसकी थिकनेस लगाते हैं। सेलेक्ट, ओके, और हमने थिकनेस लगा दी है। इसके बाद हम एक नया स्केच लेते हैं। ओके, और हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने इसको 25 हम नीचे ले लिया, इस तरफ ले लिया, और एक लाइन इधर से ले आए, और एक लाइन यहाँ से ले आए। और जो लाइन हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम ट्रिम कर देते हैं क्लोज, और इसको फिनिश कर लेते हैं। फिनिश के बाद हमें एक टूल कमांड बताते हैं, स्केच को सेलेक्ट करते हैं। हमारी यहाँ वैल्यू रहेगी 35 0, और इस वैल्यू को हम सिलेक्ट वैल्यू कर लेते हैं, यहाँ हम कर देते हैं। ओके, और इस लाइन को अंदर वाली लाइन को हम हाइड कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेटेरियल आ रहा है, इसके लिए हम रिप्लेस फेस क्लिक सेलेक्ट फेस अप्लाई, और ऐसा इस साइड आ रहा है, क्लिक सेलेक्ट फेस अप्लाई पेंसिल, ये हमारा हो गया। ये एरिया थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको कम करते हैं। कम करने के लिए हमें यहाँ से 25 ले लेते हैं। ओके, इस पे कॉर्नर पे हमें एक रेडियस लगा देते हैं। रेडियस हमारा 5 का रहेगा, ठीक है, और इसको हम सेल कर लेते हैं। ओके, और बाद में हमें एक नया स्केच लेते हैं। स्केच, ओके, और हम यहाँ एक होल बनाते हैं।
वन का डायमीटर हमारा रहेगा 15 का और फिनिश। इसके बाद में इस लाइन को भी हम हाइड कर सकते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए इसको बाहर लाना पड़ेगा। उसका ये व्यू भी देखते हैं हम कहाँ तक है, थोड़ा कम है अभी और फिर करना पड़ेगा। और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमें फिर से नया स्केच लेना है। ओके, और एक दूसरी कमांड उठाते हैं, ऑफसेट करो, अंदर वाला क्लिक करते हैं, ऑफसेट हमारा 5 है। ओके, फिर इसको हम फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद में इसको एक्सट्रूड कमांड उठाते हैं और इसको हम देखते हैं हमारा कितना जा रहा है। इसको यहाँ ले आते हैं और इसको भी यहाँ ले आते हैं और इसको ओके कर देते हैं और इस सर्कल को हाइड कर देते हैं। इसके बाद ये चीज़ हमारी इधर भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें मिरर कमांड उठानी पड़ेगी, मिरर फ्यूचर, और इसको सेलेक्ट करते हैं हम एक्सट्रूड थिकनेस, एक्सट्रूड सिपाही प्लेन हमारा ये रहेगा। ओके, और हमारा ये बाहर आ रहा है, इसको रिप्लेस फेस दोबारा से कर देते हैं, सेलेक्ट फेस इसको कर दिया। ओके, हमारा इधर ठीक है और हम यहाँ तक हमारा बन, और हम इसको यूनाइट कर लेते हैं। क्लिक सेलेक्ट बॉडी, अप्लाई, क्लिक सेलेक्ट बॉडी। ओके, ये हमारा हो गया। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए हमें एडिट, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, क्लिक, ओके। आपको कलर्स मिलेंगे, कौन सा कलर उठाएं, ये वाला कलर उठा लेते हैं। ओके, नया स्केच हमने ले लिया और लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन की लेंथ रहेगी 25 एम एम और इसी को हम मिरर कर लेते हैं। मिरर कमांड उठाते हैं, सेलेक्ट सेंटर लाइन, ओके, और उसके बाद एक रेडियस बनाते हैं हम। इसका सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर हम इसको फिनिश कर लेते हैं, सॉरी रेडियस लगाना है तो इसका रेडियस लगाते हैं हम इधर भी ऐसा इस साइड और इसको हम फिनिश कर लेते हैं। अब हमें उठाना है टूल कमांड। टूल कमांड हमने उठा लिया और इसको सिलेक्ट किया। इसमें मल्टीपल लूप आ रहा है देखने से। चलो दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई है, जो लाइन क्रॉस हो रही थी इसको हमने हटा दिया है। और अब हमें लेते हैं टूल कमांड, स्केच को सिलेक्ट किया, अप्लाई, ओके। और अब इसको हम, इसको भी हम कलर कर सकते हैं। एडिट में आइए, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले और ओके, यहाँ कलर्स है, कलर्स आप ये वाला उठा लीजिए। ओके, ये हमारी बाल्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको आगे कुछ करना चाहे तो शेडिंग भी कर सकते हैं उस टाइप का। तो दोस्तों, इसके बाद हम टेक्स्ट कमांड उठाते हैं, होल फेस और हमारा हो गया ऑफसेट हमारा 150। इसको हम कम देखते हैं और हाइट हमारी 10 है, उनके जगह हम इसको बढ़ा देते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ओके, ये हमारी आ गई है और इसको हम
x2 भी कर सकते हैं, ये वैल्यू 0 कर लेते हैं, ये वैल्यू 1.5 है ना, और रिवर्स साइड इसको सब्ट्रैक्ट 2 कर सकते हैं, अप्लाई कैंसिल, इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारा बन के तैयार हो गया। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखना, आगे का नया कुछ नया लेके आते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, ओके।